बॉलीवुड का बुरा समय अब खत्म हो चुका है और उनकी अब लगभग सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन कर रही हैं। तो ऐसे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के दो सबसे बड़े सुपरस्टार यानी कि शाहरुख खान और अक्षय कुमार की आने वाली बड़ी फिल्मों के बारे में। इन सभी फिल्मों का इंतजार ऑडियंस काफी बेसब्री से कर रही है। तो कौन कौन सी होने वाली है वो फिल्में जानने के लिए लाइक करिए हमारे इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शाहरुख खान की आने वाली बड़ी फिल्मों के बारे में। नंबर एक पर आती है एक अनटाइटल फिल्म, यानी इस फिल्म का भी कोई नाम कंफर्म नहीं हुआ है। ये फिल्म आने वाली एक बड़ी एक्शन ड्रामा मूवी होने वाली है। इसको डायरेक्शन देंगे सुजय घोष, जो कमाल की फिल्मों को बनाने के लिए जाने जाते हैं। इस मूवी के मेन लीड में आप सभी को शाहरुख खान और उनकी बेटी सुहाना खान देखने को मिलने वाले हैं। सुहाना खान ने अभी हाल ही में आची मूवी से अपना डेब्यू कर लिया है। खबरों की माने तो इस मूवी की कहानी में शाहरुख खान सुहाना खान के बॉडीगार्ड बनने वाले हैं या फिर एक माफिया डॉन जो इस लड़की को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। इस मूवी को गौरी खान और सिद्धार्थ आनंद मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस मूवी की शूटिंग जल्दी शुरू होने वाली है, जिसके चलते मूवी आप सभी को 2025 में देखने को मिलने वाली है। और पटाखे भी लाएगा। नंबर दो पर आती है पैंथर। पैंथर बॉलीवुड की तरफ से आने वाली बहुत बड़ी एक्शन ड्रामा मूवी होने वाली है, जिसको डायरेक्शन देंगे साउथ के सबसे बड़े डायरेक्टर लोकेश कनकराज, जिन्होंने विक्रम और लियो जैसी कमाल की फिल्में बना रखी है। इस मूवी के मेन लीड में आप सभी को बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जवान जैसी कमाल फिल्मों के बाद शाहरुख खान एक और एक्शन फिल्म करने वाले हैं साउथ के डायरेक्टर के साथ। खबरों की माने तो इस मूवी की शूटिंग इसी साल चालू हो जाएगी। तो ऐसे में मूवी आप सभी को 2025 में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे अक्षय कुमार की आने वाली बड़ी फिल्मों के बारे में। नंबर एक पर आती है बड़े मियां छोटे मियां। ये फिल्म मेगा बजट एक्शन मूवी होने वाली है, जिसके मेन लीड में आपको बॉलीवुड के दो बड़े एक्शन हीरो देखने को मिलेंगे। जी हां दोस्तों, इस मूवी में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ एक साथ देखने को मिलने वाले हैं। फिल्म में फीमेल लीड में आपको मानुषी छिल्लर देखने को मिलेंगी और विलेन का रोल प्ले करने वाले हैं साउथ के बड़े एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन, जिन्हें आपने सलार जैसी कमाल की फिल्म में देखा होगा। इस मूवी को डायरेक्शन दे रहे हैं अली अब्बास जाफर, जो कि कमाल की एक्शन मूवीज को बनाने ले जाने जाते हैं। ये फिल्म आपको 10 अप्रैल 2024 को देखने को मिलेगी। रहना हमसे, हिंदुस्तान है हम। नंबर दो पर आती है सरफिरा। सरफिरा एक आने वाली बहुत बड़ी फैमिली ड्रामा फिल्म होने वाली है, जो दरअसल रीमेक होगी साउथ की बहुत ही शानदार फिल्म सुरारू पोतरू का। इस मूवी की कहानी असल में काफी कमाल की थी, जिसके चलते इसके एक्टर सूर्या ने नेशनल अवार्ड तक भी जीता था। इस मूवी के मेन लीड में आप सभी को अक्षय कुमार और राधिका मदान देखने को मिलने वाले हैं। इस मूवी को डायरेक्शन देने वाली है सुधा कोंगरा, जो ओरिजिनल फिल्म को भी डायरेक्ट कर चुकी है। ये फिल्म आपको 12 जुलाई 2024 को देखने को मिलेगी। तो आप इनमें से किस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।